हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ बच्चे, जैसे कि आपकी सेकंड ए एक्सरसाइज कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैं आज आपकी ये एक्सरसाइज डन करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कोस इनवर्स कोस 5π/3 हो। क्या है आपका क्वेश्चन कि अगर आपका कोस इनवर्स कोस 5/3 हो तो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले तो आप इसको सीधा ऐसे कट नहीं कर सकते। आधे बच्चों का दिमाग तो चल रहा होगा कि इसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, कट कर दो आंसर 5π/3। चलो मैं कट कर भी देती हूँ। क्या आपका आंसर रेंज के बीच में आ रहा है? आपका आंसर इस रेंज के बीच में आना चाहिए, 0 से लेके π, इसके बीच में आना चाहिए आंसर, क्योंकि कोस की रेंज होती है। कोस की रेंज क्या होती है? 0 से लेके π होती है। कोस की रेंज कौन सी होती है? 0 से लेके π होती है। तो इसका मतलब इस रेंज के बीच में आंसर आना चाहिए। अब इसका आंसर तो रेंज के बीच में आ नहीं रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि 5π/3 आपकी रेंज का नहीं है? आप ना पाई को 180 में चेंज करके देखो, ठीक है, 180 में चेंज करके देखो, फिर इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 300। हम बोल रहे हैं कि हमारा आंसर 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, हमारा आंसर तो 300° आ रहा है। ये तो गलत है ना, आपका आंसर 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। अगर आपका आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे सीधा कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोस इनवर्स कोस 5π/3 को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको ना क्लास 11th में ये करवाया था कि हाउ टू ब्रेक एंगल्स, अगर आपको नहीं आता तो इसकी वीडियोज़ पड़ी हैं, देख लेना प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है। तो कि एंगल्स कैसे ब्रेक करते हैं, कम से कम इसके ऊपर मैंने 8 से 10 वीडियोस बना रखी हैं आपके लिए, ठीक है। तो कोस इनवर्स कोस 5π/3, अब मुझे क्या करना है? आधे बच्चों को तो एंगल देखने में दिक्कत आती है कि मैम एंगल कैसे देखेंगे, ये कितने डिग्री का है। ब्रेक तो तभी करोगे ना अगर आपको एंगल देखना आता होगा। तो मैंने 5π/3 को अभी चेंज करके दिखाया कि ये 300° का एंगल है, तो मैं इसको ऐसे डाल रही हूँ, ठीक है। कोस इनवर्स इंटू कोस 300°, कोस इनवर्स इंटू कोस 300°, ठीक है, ये करवाया मैंने, कोस इंटू कोस इनवर्स इंटू कोस 300°, ठीक है। और देखो बेटा उसके बाद आगे, ठीक है, कोस इनवर्स कोस 300° को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? कोस 360° माइनस 60°। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 300° को इस तरीके से लिखा है, 360° में से 60° माइनस कर दो, कोस 360° में से 60° माइनस कर दो, ठीक है। अब अगर आपको टी रेशियोज आती हैं, टी रेशियोज के ऊपर भी वीडियोस बनाई पड़ी हैं मेरी, 8 से 10 उसके ऊपर भी हैं वीडियोस, ठीक है। तो टी रेशियो के ऊपर स्पेशल टी रेशियो मैंने अलग कंसेप्ट उठाया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो बेटा अगर 360° माइनस थीटा हो तो वो कोस थीटा ही रहता है, ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था बेटा। तो इसका मीन्स कोस इनवर्स कोस 360° माइनस 60° क्या हो जाएगा? कोस 60° ही रह जाएगा। कोस से कोस इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा? 60°, ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ पे मेरा? 60° बच जाएगा। 60° को अगर मैं एंगल में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? 5/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? ऐसे करके लिख सकती हूँ, 5/3 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। और उसके बाद देखो बेटा आगे है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि कोस इनवर्स कोस 60° विच इज़ 5/3। तो देखो बेटा अब इसका आंसर जो है वो 0 से लेके π के बीच में है, 180 के बीच में है, ठीक है। तो अब देखो बेटा मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ज़रा समझना। यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू राइट द वैल्यू ऑफ, मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है, 2 cos inverse 1/2 प्लस 3 sin inverse 1/2, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। 2 cos inverse 1/2 प्लस 3 sin inverse 1/2, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है मुझे। अब आपने पता क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को देख के फर्स्टली घबराना नहीं है, आराम से चीज़ें को उठाओ, अपना माइंड रिलैक्स करो, फिर उनको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्या कर रही हूँ, पहले कोस, ऐसे तो मैं भी घबरा जाऊँ भी भाई कितना कुछ आ गया, आराम से, मैथ ऐसी चीज़ है जो रिलैक्सली होता है बेटा। तो कोस इनवर्स 1/2 उठाओ, आराम से इसको वाई के इक्वल लो, जो मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड दिया हुआ है उससे आराम से सॉल्व करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। 1/2 को इधर रखो बच्चे, और ये उधर विदाउट इनवर्स बन जाएंगे जैसे मैंने आपको स्टेप सिखाए हुए हैं। और उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, कोस 1/2 कितने डिग्री के ऊपर होता है? 60° के ऊपर।
तो इसको ऐसे लिखने के बाद आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। देखो मुझे कितना टाइम लगा, 2 मिनट भी नहीं लगे आपके सामने वैल्यू निकालने में, ठीक है। तो अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज़ों को ध्यान से समझो बस। यहाँ पे बेटा मैंने साइन इनवर्स 1/2 उठाया, आराम से इसको वाई के इक्वल रखा। ये फंक्शन बेटा मैंने उधर विदाउट इनवर्स ले गई। अब 1/2 कितने डिग्री के ऊपर होता है, ये होता है बेटा पाई बाय 6 के ऊपर। और यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू पाई बाय 6 निकाल ली, मीन्स मैंने इस वाले की वैल्यू भी निकाल ली और इस वाले की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। मेरे पास तो दोनों वैल्यूज निकल गई ना, अरे मुझे चाहिए क्या था, यही तो चाहिए थी। तो अब आप आराम से इनको पुट कर दो, 2 × cos inverse 1/2। कोस इनवर्स 1/2 मीन्स बेटा पाई बाय 3, ओके। एंड साइन इनवर्स 1/2 मीन्स बेटा पाई बाय 6, ठीक है। अब चीज़ों को आराम से करते जाओ सॉल्व, ओके। 2π/3 + π/3 तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास 3π/3, और इसका आंसर आपके पास आ गया कट करने के बाद पाई, ठीक है। देखो एक बार सारे क्वेश्चन के ऊपर कैमरा घुमा रही हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अब देखो बेटा आगे आपका एक और अच्छा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उठाने जा रही हूँ, आपकी एक्सरसाइज के बीच में से है, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपका टेन इनवर्स 2 cos, आपकी मैथ की एक्सरसाइज में से है बेटा, ठीक है। 2 sin inverse 1/2, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर डन हो जाना है बेटे, ठीक है। तो देखो बेटा इसको ध्यान से, अब देखने में तो ये ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या खिचड़ी सी है ना, मतलब सारा कुछ मिक्स सा लग रहा है ना, मतलब देखने वाले का दिमाग खराब हो जाए, लेकिन हमने आराम से करना है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आप मेरी बात मानो, आप पता है क्या करो, सबसे अंदर वाली चीज़ को सॉल्व कर दो, फिर बाहर वाली, फिर सबसे बाहर वाली, ठीक है। कभी भी जब आप इकट्ठी चीज़ें आ जाए ना, पहले अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर उससे बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली, मतलब आपने चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी किसी भी तरीके की, ठीक है बेटा। तो 2 cos 2 sin inverse 1/2 को अभी तो हम सॉल्व करके हटे, साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 6, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया, ओके। अब इसको आराम से कट करो तो ये आ जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। तो ये कितना बन गया भाई आपका, टेन इनवर्स 2 cos π/3। लो भाई इतना बन गया, देखो मैंने तो 2 स्टेप उठाए और 2 स्टेप में मेरा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन निकल गया भाई, ठीक है। तो अब टेन इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 1। देखो हमने तो क्वेश्चन बोल बोल के निकाल दिया, कितना इजी था, ठीक है। आराम से, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, चीज़ों को समझ के, ठीक है। मैथ करने के लिए आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है, और चीज़ों को समझने की कैपेसिटी, ओके। आराम से स्टेप को उलझाना नहीं है, धीरे धीरे पेन उठाते जाओ, ठीक है। अगर सारी चीज़ें करोगे तो फिर गड़बड़ी होगी, ओके ओके बेटा, थैंक यू। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो मैंने डन कर दिया है, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे, ओके बेटा, थैंक यू।